6 अप्रैल को भारत के क्रूड ऑयल बास्केट की कीमत में 8% की कमी आई। हिमांशु शेखर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि तेल के दाम में अब कमी आएगी। अब यहां सवाल है कि 17 दिनों में 10 रुपया लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल, क्या आगे दाम नहीं बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? क्या यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो दाम बढ़े हैं उनमें कटौती होगी? क्या आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की औसत कीमत 112.87 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 6 अप्रैल 2022 को घटकर 103.94 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यानी क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट करीब 8% तक सस्ता हुआ है। हाल के चुनावी अभियान के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न करने के बाद 22 मार्च से अब तक तेल कंपनियां दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा चुकी हैं। इन 137 दिनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होने से 10 से 12 रुपए तक की अंडर रिकवरी थी। इसमें से 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास तेल कंपनियां रिकवर कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 17 दिनों में 14 बार कीमतें बढ़ने के बाद अब आम लोगों को राहत देने की गुंजाइश बढ़ी है?